नमस्कार किसान वीरो, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनाज मंडी एक्सपर्ट में। दोस्तों, मेरे इस चैनल पे अनाज मंडी से संबंधित हर न्यूज़ और अनाज मंडी के भाव और खेती बाड़ी की न्यूज़ सबसे पहले और सबसे स्टीक दिए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल का एक ही उद्देश्य है कि किसान भाइयों को अपनी फसल औने पौने दामों पर ना बेचनी पड़े, हम उसका उचित भाव पहले ही बता देते हैं। दोस्तों, आज मैं नरमा किसानों के लिए और सरसों किसानों के लिए, दोनों के लिए एक एक बेहतरीन खबर लेके आया हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, नरमा के भाव काफ़ी दिनों से, लगभग 7-8 दिनों से स्थिर बने हुए हैं। 10,000 से 11,000 के बीच में लगातार बने हुए हैं और किसान भाई भाव बढ़ने का लगातार वेट कर रहे हैं। कई किसान भाइयों ने नरमा को रोक के रखा है, तो उनको मैं बता दूँ कि कल सोमवार से भारत अमेरिका के साथ जो निर्यात आयात शुरू हुआ था, तो कल भारत अमेरिका को नरमा का निर्यात करना शुरू कर देगा कल से ही। इससे भारत सरकार को भी 16,000 करोड़ रुपए का मुनाफा मिलने वाला है और इसका असर भारतीय मार्केट में नरमा के भावों पे निश्चित रूप से मिलेगा और आपको 7 से 8 दिन में 2 से 3 हज़ार की तेज़ी अवश्य देखने को मिलेगी। दोस्तों, हमने पिछले संडे को भी बताया था कि कुछ दिनों तक भाव नहीं बढ़ेंगे और उसका मुख्य कारण था रूस और यूक्रेन के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो जाना। तो दोस्तों, अगर आपने नरमा रोका है तो एक हफ्ता और रोकिएगा, आपको 3,000 की बढ़ोतरी अवश्य देखने को मिलेगी। दोस्तों, और दूसरी बात सरसों के ऊपर, नई सरसों का भाव अभी 7,500 के आसपास है। नई सरसों का उत्पादन 30 से 40% तक कम होने की आशंका है। इसका मुख्य कारण सफ़ेद रिटोली ने फसल को बर्बाद कर दिया है। दोस्तों, तो नई सरसों का भाव भी आपको 7,000 से ऊपर देखने को ही मिलेगा। एक बार दुआ तो अब आ सकता है मंडी में आवक ज़्यादा होने के कारण, लेकिन फिर भी ये 7,000 से ऊपर नहीं आएगा, लेकिन 1-2 महीने बाद मई जून तक दोबारा ये 8,000 को क्रॉस करेगा, ये मेरा वादा है। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।